साथियों आपको डॉक्टर एकांत का नमस्कार। हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे हम चार पांच दिन के अंदर मयूरासन सीख सके। मयूरासन जो है हमारे शरीर के सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए बहुत गजब का आसन है, बैलेंस के लिए अच्छा है, बाजू की पावर के लिए अच्छा है। सबसे पहले मैं मयूरासन आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग मयूरासन का अभ्यास करें। ये मयूरासन है, यहां हाथ लगाते हैं और इस तरह से धीरे से अपने आप को उठा लेते हैं। ये एग्जैक्टली मयूरासन है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, हजारों लोग हमसे सीख चुके हैं कि कैसे मयूरासन करें, तो मैं आपको उसके कुछ टेक्निक्स कुछ स्टेप बताऊंगा, जिनको फॉलो करेंगे तो काफी लोग मयूरासन कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप कि हम जो कोहनी को यहां पे लगाने का अभ्यास ऐसे करें, कोहनियों को ऐसे मिलाने का प्रयास करें। ये ओके, तो ये प्रयास जब इस तरह से करने लगते हैं तो फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद पहला दिन फर्स्ट डे एक तकिया सामने रख लेते हैं, कोहनियों को यहां मिला के थोड़ा सा फैला देते हैं, यहां लगा के केवल पेट को दबाना है इस तरह से, केवल पेट को फर्स्ट डे 5 मिनट ये प्रैक्टिस करनी है आपको। तकिए को सामने रखना है फेस के सामने इस तरह से। सेकंड डे क्या करेंगे, कोहनी को वहीं लगाएंगे और पैरों को हल्का सा उठाने की कोशिश करनी है, ये ऐसे तकिया सामने रहेगा, केवल पैरों को उठाने की कोशिश करनी है। थर्ड डे आपको क्या करना है, थर्ड डे आपको पैरों को पीछे से उठाना है, सर को नीचे लगाना है, माथे को मुंह को इस तरह से ऐसे उठाना है, ये थर्ड डे आपको ये करना है, ऐसे उठाना है। फोर्थ डे आपको क्या करना है, झूला झूलना है। कैसे झूला झूलना है, मुंह के सामने तकिया रहेगा इस तरह से, देखिए ये झूला झूलना है। ये चौथा दिन है, मयूरासन करने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और पांचवें दिन आप क्या करेंगे, यहां से लगा के भले बैलेंस आपका बिगड़े लेकिन ना तो मुंह लगाएंगे नीचे ना पैर लगाएंगे, ये पांचवें दिन ऐसे कर लेंगे। छठे दिन सीधा यहां लगाएंगे, पैरों को सीधा इस प्रकार से कर देंगे, ये आप मयूरासन को साध सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं मयूरासन का। आप करें, आपको लाभ मिलेगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।